एवरीवन, वेलकम इन अवर इंग्लिश क्लास। आज हम इंग्लिश में हमारी बुक द मैजिक कारपेट का लेसन नंबर 12, जो कि एक पोएम है जिसका नेम है कम वॉक विद मी। ये हम छोटी सी पोएम है हमारी जिसे हम रिसाइट करने जा रहे हैं और जिसका हम मीनिंग भी जानेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पोएम लिखी किसने है, मीन्स इस पोएम के पोएट कौन है? तो इस पोएम के पोएट है बेनिता सेन। कम वॉक विद मी, ये एक छोटी सी पोएम है जिसमें कि एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से ये कह रहा है कि वो उसके साथ कभी भी खेलने के लिए गार्डन में आ सकता है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ खेलने में कभी भी थकता नहीं है। तो चलिए हम इसे रिसाइट करते हैं, फिर हम इस पोएम का मीनिंग भी जानेंगे। आई एम नेवर टू बिजी टू वॉक टू द पार्क विथ यू, वील होल्ड हैंड्स ऑन द वे एंड शेयर अ सॉन्ग और टू। I carry a ball, you bring your cricket bat. We play and romp and jump and score runs like that. We run, we walk, we laugh, we joke and we talk. And then it's time to go home, we start on our way back. This time we are tired and it's getting a little dark. Home seems farther than when he walked to the park. You turn to the left, I take the right lane. Goodbye for now, my friend. We will meet tomorrow again. तो यहाँ पे एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से क्या कह रहा है? I'm never too busy to walk to the park with you. तुम्हारे साथ पार्क जाकर खेलने के लिए मैं कभी भी बिजी नहीं होता हूँ। मैं हमेशा फ्री रहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाकर पार्क में खेलूँ। We will hold hands on the way and share a song or two. और देखिए, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले और गाना गाते गाते चले। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए फ्री रहता हूँ। I carry a ball. मैं एक बॉल लेकर आऊँगा। And you bring your cricket bat. तुम अपना क्रिकेट बैट लेकर आओ। We play and romp and jump. हम खेलेंगे और romp and jump करेंगे। Jump means कूदना और romp का मतलब होता है शोर मचाकर खेलना। तो हम उछलेंगे, कूदेंगे, शोर मचाएंगे, खेलेंगे एंड स्कोर रन्स लाइक दैट। और हम बहुत सारे रन भी बनाएंगे क्रिकेट खेलते वक्त। वी रन, वी वॉक, वी लाफ, वी जोक एंड वी टॉक। हम भागेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, हंसेंगे, जोक करेंगे, बातें करेंगे। एंड देन इट्स टाइम टू गो होम, वी स्टार्ट ऑन आवर वे बैक। और जब घर जाने का टाइम हो जाएगा तब हम वापस अपने घर जाने के लिए निकल पड़ेंगे। This time we are tired. अब खेलने के बाद जब हम घर जा रहे होंगे हम थक चुके होंगे, टायर्ड हो चुके होंगे। And it's getting a little dark. और अब अंधेरा भी होने लग गया होगा। Home seems farther. क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं इसीलिए हमें होम भी कैसा लग रहा है? Farther. Farther मतलब क्या होता है यहाँ पे? Farther का मीनिंग होता है दूर। अब हमें घर भी बहुत दूर लग रहा है। Then when we walk to the park. जब हम पार्क से घर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है घर भी बहुत दूर है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। यू टर्न टू द लेफ्ट, आई टेक द राइट लेन। अब घर जाते वक्त तुम लेफ्ट की तरफ चले गए और मैं राइट की तरफ चला गया क्योंकि हमारा घर एक का घर लेफ्ट में है और एक का घर राइट में है। गुड बाय फॉर नाउ माई फ्रेंड, अभी के लिए मेरे दोस्त गुड बाय। वी विल मीट टुमारो अगेन, हम कल दोबारा से मिलेंगे। तो ये एक छोटी सी पोएम थी जिसमें एक बच्चा जो है वो अपने फ्रेंड से कह रहा है कि वो उसके साथ पार्क जाकर खेलने के लिए हमेशा फ्री होता है। तो वो हमेशा उसके साथ पार्क में जाता है, खेलता है, कूदता है, शोर मचाते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ उछलते कूदते हैं। लेकिन जब घर और उसके बाद थक जाते हैं, अंधेरा होने लगता है, तो वो लोग अपने घर वापस लौट जाते हैं और अगले दिन होने का इंतज़ार करते हैं ताकि फिर से वो लोग पार्क में जाएं और खेल सकें। तो आप लोगों को ये छोटी सी पोएम मज़ेदार भी लगी होगी और आपको पोएम का मीनिंग भी समझ में आया होगा। तो अभी आप लोग इस पोएम को रिसाइट भी करेंगे, ठीक है? अपने आप रिसाइट करेंगे सब बच्चे इस पोएम को और इंजॉय करेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, सब तक के लिए।